तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शिजान खान को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर उनकी दो बहनों शफाक और फलक नास के द्वारा एक नोट शेयर किया गया है, जिसमें मीडिया को आड़े हाथों लिया गया है। इसके साथ धमकी भरे लहजे में लिखा गया है कि हमारी खामोशी को कमजोरी समझ ली जाती है, ये दुखद है। इस तरीके का बयान उन्होंने लिखा है, ये कहीं ना कहीं उकसाऊ बयान है। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि हमारी खामोशी को कमजोरी समझ ली जाती है, तो फिलहाल उनकी खामोशी उन्होंने तोड़ी है। और ये मीडिया को लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि इसमें धर्म और जाति का एंगल लेकर रिपोर्टिंग कर रही है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो मतलब घटना पे कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष या धर्म पर कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा की माँ ने कई बातें शेयर की हैं जो सबने सुनी है, पूरे देश ने सुना है, मीडिया ने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिजाब की बात उन्होंने करी है, बुरखा की बात करी है, उर्दू लफ्ज की बात करी है। उन्होंने तमाम सारे आरोप भी लगाए हैं शिजान खान पे कि जानते हुए शिजान चाहता तो ये घटना होने से बच जाती थी। शिजान ने अपना रवैया जो है एकदम कठोर रखा इस मामले में। शिजान खान ने उनकी बच्ची को यूज़ भी किया और उससे प्यार किया, प्यार करने का नाटक किया, जो भी सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं उन्होंने जो भी कुछ कहा है। लेकिन अब इस मामले में शिजान की दोनों बहनों ने जो चीज़ शेयर की है उसमें इन्होंने मीडिया को आड़े हाथों लिया है और इसके अलावा कहा है कि हमारी खामोशी को कमजोरी समझ ली जाती है। तो इन सब सारे प्रकरण में आपका क्या मत है? पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से कार्यरत है, कार्य कर रही है और पुलिस जो कर रही है उसमें सारे एविडेंसेस जमा कर रही है। 306 यानी आत्महत्या को उकसाने के लिए जो प्रकरण है, इस मामले में जो वाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने इस बारे में कहा है कि 306 का जो मामला है वो एस्टैब्लिश होता है, यानी वो मामला बनता है